हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे दमदार एक्टर जॉन अब्राहम, जो कि माहिर है एक्शन फिल्में बनाने में, साथ ही उनकी हर फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होती है। वहीं अब आने वाले समय में जॉन अब्राहम और भी कई जबरदस्त और देशभक्ति से जुड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं, जिनमें से एक है द डिप्लोमेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म की अनाउंसमेंट पिछले साल कर दी गई थी। मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया था, जिस पर कैप्शन लिखा था अ ट्रू हीरो नीड्स नो वेपन। और इस पोस्टर में जॉन अब्राहम एक अंडरकवर एजेंट के रोल में नजर आ रहे थे। वहीं अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो है कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें दिखाया जाएगा कि एक इंडियन गर्ल को धोखे से प्यार में फंसाकर पाकिस्तान ले जाया जाता है और फिर जबरदस्ती उसकी शादी करवाई जाती है। और फिर उसके बाद इंडिया से एक एजेंट भेजा जाता है जो उस लड़की को बचाकर वापस इंडिया लेकर आता है। वेल, इसी के साथ बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की, तो दोस्तों फिल्म में हमें जॉन अब्राहम के साथ सादिया खतीब लीड रोल में नजर आएंगी, और इनके अलावा कुमुद मिश्रा, शारिब हाशमी और जगजीत संधू भी फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन की, तो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवम नायर और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जॉन अब्राहम प्रोडक्शन। वेल, बात करें ये फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी, तो दोस्तों फिल्म का शूट अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये फिल्म हमें इसी साल 11 जनवरी को देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म हमें अगले महीने यानी कि मार्च के एंड तक देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप सभी द डिप्लोमेट फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और फिल्मों से जुड़ी ऐसी मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। धन्यवाद।